हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो से आगे चलते हैं। तो हमने जो लास्ट में पढ़ा था वो ग्रुप के बारे में पढ़ा था, और ग्रुप के बारे में ही पूरा टॉपिक होगा। अभी ग्रुप जो है उसकी स्टार्टिंग हो रही है, तो हमने आपसे कहा था कि जो सारे नंबर्स सीरीज हैं वो आपको याद होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। तो ग्रुप में जो डेफिनेशन है हमारे पास वो है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन की जब हम बात करें तो ऐसा ऑपरेशन जो किसी भी नॉन एम्प्टी सेट में से आता हो। दोबारा लिख देता हूं मैं यहां पे, जैसे हम आपसे यहां कह सकते हैं साइड में कि ए बिलोंग्स टू ए है एंड बी बिलोंग्स टू ए है, देन ए स्टार बी, स्टार मतलब ऑपरेशन, वो भी कहां से आना चाहिए? ए में से ही आना चाहिए। तब हम क्या कहेंगे इस स्टार को? बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, द्विचर संक्रिया। क्योंकि स्टार की जगह पर मतलब क्या है हमारे पास? या तो प्लस या माइनस या गुणा या भाग, इन चारों में से कुछ भी हो सकता है जो हमारे पास नॉर्मल है। नॉर्मल जो ऑपरेशन होते हैं हमारे पास उसी की बात कर रहे हैं हम। अब इसी से आगे चलते हुए हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हिंदी में बात करें तो बीजीय पंक्ति कहते हैं इसको, ठीक है। आप इंग्लिश में याद करो, इंग्लिश में याद करने में क्या दिक्कत आ रही है? तो इसकी जब मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, एक या एक से अधिक द्विचर, एक या एक से अधिक द्विचर संक्रिया, ठीक है, या तो एक हो या एक से अधिक हो, एक या एक से अधिक द्विचर संक्रिया वाला कोई एक अरिक्त समुच्चय, एक अरिक्त समुच्चय ए बीजीय पद्धति यानी कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। याद रखना, एक ऐसा अरिक्त समुच्चय हो जिसमें एक या एक से अधिक द्विचर संक्रिया हो तो क्या कहलाएगा? बीजीय पद्धति या फिर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे एन प्लस हो गया, एन मतलब कि नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है, और एन मल्टीप्लाई में भी होता है, 200 हो गई। एक हो या इससे ज्यादा हो, यहां पर ज्यादा हो गई। आर के लिए देखो, रियल नंबर का सेट, आर में प्लस भी होता है और गुणा भी होता है, ठीक है। हाँ, एन में मल्टीप्लाई की बात अगर हम करें तो कभी कभी हो सकता है, इसलिए इसको आप एवर्स के लिए ब्रेक रखें। आर में प्लस और डॉट, और जेड की बात करें, जेड यानी कि इंटीजर्स, तो उसमें प्लस भी होता है और क्या होता है? गुणा भी होता है, ठीक है, सॉरी माइनस होता है, प्लस और माइनस। ये आपको बताया था ना, ये कल हमने किया था, प्लस भी होता है माइनस भी होता है। क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन, मतलब कि मैं जेड में से कुछ भी ले लूं, ये मतलब कि ये वाली चीज पूरी करेगा वो, मतलब ए स्टार बी बिलोंग्स टू जेड होगा अगर ए बिलोंग्स टू जेड है और बी बिलोंग्स टू जेड है। यहां पर स्टार का मतलब क्या क्या है? एक तो प्लस और एक माइनस। हमने कल किया था कि दो संख्याओं को जोड़ो जेड में, जेड में से कोई दो संख्या ले लो आप, यहां फिर कर लेते हैं, दो संख्याओं को ले लो, इसमें से कोई संख्या ले लो, दो, उन दोनों को अगर हम यहां पे या तो जोड़ दें या घटा दें आपस में, तो वो संख्या वापस से इस जेड में से ही आएगी, ये बात फिक्स है। चाहे आप कुछ भी ले लो, मान लो 50 ले लो, ठीक है, ए बराबर ले लो 50 और बी बराबर ले लो कुछ और ले लो 30 ले लो, चलो ठीक है, चाहे माइनस 30 ले लो, और बताओ।
अब हम करते हैं ए प्लस बी, यानी कि 50 माइनस 50 माइनस, प्लस बाहर आएगा, माइनस का 30 अंदर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 20। और ए माइनस बी यानी कि 50 माइनस माइनस 30, वही क्या हो जाएगा 50 प्लस 30 यानी कि 80। तो ये भी कहां से आ रहा है, जेड में से इंटीजर है ये भी, ये भी कहां से आ रहा है, जेड में से आ रहा है, ये भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर हैं या नहीं है, यानी कि ये वाला रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जेड में प्लस और माइनस दोनों कैसे हैं, बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसका मतलब जेड क्या कहलाएगा, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ऐसे हम देख लेते हैं एन के साथ में, तो हम एन की बात अगर करें तो एन क्या कहता है कि उसके पास 1 है 2 है 3 है, ठीक है, और इन्फिनिटी तक है, यानी कि माइनस संख्या नहीं है, जीरो भी नहीं है, और वो कह रहा है प्लस के लिए। हम कल चेक कर चुके थे, हम गुणा के लिए करके देखते हैं कि मल्टीप्लाई के लिए क्यों नहीं है, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई बी जो है वो बाइनरी ऑपरेशन क्यों नहीं है, बताओ है या नहीं है। हम कह रहे हैं ए क्रॉस बी, यानी कि ए बराबर हम ले लेते हैं मान लो 50, या कुछ भी ले लो, बी वाला ले लो हम 10 ले लो, ठीक है। तो 50 मल्टीप्लाई 10 यानी कि ए बी कहां पे आ रहा है, 500, ठीक है, कहां से आएगा, एन में ही आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपके पास जो टर्म है वो मल्टीप्लाई के लिए भी होती है, बाद में बताएंगे रेयर चांस में नहीं होगा मल्टीप्लाई, अपनी बाइनरी ऑपरेशन के लिए तो है। अब हमारे पास आगे चलें तो आर तो आप जानते ही हो रियल नंबर का सेट है, इसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, तो प्लस और डॉट के लिए तो होगा ही, ठीक है। ऐसे ही एन या हम जेड बात करें तो मल्टीप्लाई के लिए भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो टर्म है वो मिलेगी। अब हम समझ में आ गया हमको एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में कि एक या एक से अधिक द्विचर संक्रिया वाला कोई एक अरिक समुच्चय जिसमें एक हो या एक से ज्यादा हो, जैसे यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है और एन के पास भी 2 है, तो वो क्या कहलाएगा, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि 2 ही होनी चाहिए। आइए चलते हैं, अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टी किसकी, बाइनरी ऑपरेशन की। अब ये जो बाइनरी ऑपरेशन है इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी समुच्चय जिसमें ऑपरेशन बाइनरी हो, या फिर उससे हम कह सकते हैं क्लोजर, ठीक है, किसी भी ऑपरेशन का क्लोजर होना या बाइनरी ऑपरेशन होना एक ही बात है। उससे हम कह सकते हैं कि अगर ए बिलोंग्स टू ए है और बी बिलोंग्स टू ए है, देन ए स्टार बी बिलोंग्स टू बी ए होगा, ठीक है। स्टार का मतलब क्या है, वही मतलब है स्टार का, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो या मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, ठीक है। नंबर सेकंड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में कह रहे हैं हम। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसमें तीन नंबर लेते हैं हम, ए बी और सी, तीनों लेते हैं बिलोंग्स टू ए, और ए बी सी बिलोंग्स टू ए अगर है तो ए स्टार बी स्टार सी, ब्रैकेट क्या लगा दो, और ए स्टार बी स्टार सी ब्रैकेट यहां लगा दो, ठीक है। दोनों तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, हम एग्जांपल ले सकते हैं इसका। मान लेते हैं कि ए बी सी तीनों आ रहे हैं जेड में से, तो माना ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर -1, ठीक है, और हम स्टार की जगह पर ले लेते हैं प्लस, तो 1 प्लस 2 और सी की जगह -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस और ये -1, ठीक है, और ये हो जाएगा +1 प्लस 2 और ये -1, ठीक है। 1 2 में से 1 गया तो
वन बचेगा, और ये वन प्लस टू कितना हो गया, थ्री माइनस वन, ये बचा प्लस टू, ये बचा प्लस टू, ठीक है बराबर आया। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है हमारी ये फॉलो करती है, हम कह सकते हैं कि जेड के लिए जो प्लस ऑपरेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ऐसे ही आप प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस और डिवाइड करके रख के दे सकते हो, कौन कौन सी संक्रिया यानी कि ऑपरेशन के लिए जेड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉलो करता है यानी, ठीक है। आगे देखते हैं हम नंबर थर्ड, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या कहती है हमारे को, इसका रूल होता है ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए, ठीक है, यानी कि एक ऐसा नंबर ई इसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। इफ ए बिलोंग्स टू ए देन ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एंड इट्स आल्सो बिलोंग टू ए, राइट। मतलब ए में से ही आएगी आइडेंटिटी जो है वो भी ए में से ही आएगी, ऐसा नहीं है कि वो कहीं और से आएगी, उसमें होना चाहिए, ये बात आप बता देता हूं, क्योंकि ए में से ही आएगी वो। अब आइडेंटिटी का मतलब है कि उसको किसी के साथ भी किसी नंबर साथ में मल्टीप्लाई करो, या किसी भी नंबर को आइडेंटिटी के साथ में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई का मतलब संक्रिया कराओ, चाहे वो प्लस माइनस किसी की हो, तो हमारे पास वही नंबर आना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास वही ए आ रहा है बिलोंग टू जेड में से, ठीक है ले लेते हैं, और स्टार जो संक्रिया है हमारे पास वो है मान लेते हैं प्लस, तो मैं कहता हूं कि ए प्लस ई बराबर ई प्लस ए बराबर ए, ऐसा होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए लेता हूं ए बराबर टू, तो टू में क्या जोड़ूं, या किसी चीज में मैं टू जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, टू मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जीरो जोड़ो भाई, जीरो जोड़ने पर या जीरो में दो जोड़ने पर दो ही मिलेगा, इसका मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो जीरो है वो प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी है, ठीक है, प्लस के लिए जीरो आइडेंटिटी होती है, ऐसे ही अगर मैं स्टार की जगह इस संख्या की जगह पर मैं ले लूं मल्टीप्लाई, इस स्टार की जगह पर अगर मैं ले लूं क्रॉस यानी कि मल्टीप्लाई ले लूं, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास मिलेगा आपको ए मल्टीप्लाई ई बराबर ई मल्टीप्लाई ए बराबर ए। मैं वही ले रहा हूं कि ए बिलोंग्स टू है जेड, तो इस बार में दो ही ले रहा हूं, तो टू मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करूं, टू को, किसी चीज को मल्टीप्लाई करूं टू से, तो क्या आना चाहिए, टू ही आना चाहिए। तो मेरे पास एक ही नंबर है, कौन सा नंबर है मेरे पास, वन, ठीक है, इसका मतलब क्रॉस यानी कि मल्टीप्लाई के लिए, क्रॉस के लिए आइडेंटिटी कौन होता है, ये होता है हमारे पास वन। और चेक करते हैं क्या माइनस के लिए भी होती है, यानी कि ए में से ई को माइनस करूं या ई में से ए को माइनस करूं और ए ही मिले, आई थिंक नॉट पॉसिबल। वापस से ए बार टू लेता हूं मैं जो जेड में से आ रहा है, तो टू माइनस टू में से क्या घटाऊं, या किसी में से टू को घटा दूं तो टू मिलना चाहिए। देखा जाए तो दो में से जीरो घटा देता हूं तो दो मिल जाएगा, लेकिन जीरो में से दो को घटा देता हूं तो दो नहीं मिलेगा, इट्स नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं, इसका मतलब माइनस जो है वो आइडेंटिटी नहीं होती, कोई आइडेंटिटी नहीं होती माइनस की। ऐसे ही हमारे पास है डिवाइड, और डिवाइड जो है हमारे पास वो
ए डिवाइड बाय ई बराबर ई डिवाइड बाय ए इक्वल टू ए, और मैंने इसकी जगह पर भी क्या ले लिया, टू ही ले लिया। टू को किससे डिवाइड करूं कि मुझे, या किसी चीज को टू से डिवाइड करूं मुझे टू मिल जाए। यहां पे तो पॉसिबल है कि टू डिवाइड बाय वन, लेकिन यहां पॉसिबल नहीं है कि वन डिवाइड बाय टू हो तब भी टू मिल जाए, राइट। तो जो डिवाइड है डिवाइड, यहां भी आइडेंटिटी नहीं मिली और यहां पर भी आइडेंटिटी नहीं मिली, यानी कि माइनस एंड डिवाइड आर नॉट आइडेंटिटी ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट के लिए दोनों आइडेंटिटी नहीं होती है, केवल दो ही होती है। एक तो होती है प्लस, प्लस के लिए कौन होता है बोलिए, जीरो, और एक होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के लिए कौन होता है वन, ठीक है। ये दो आइडेंटिटी होती है, तो इसे हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि प्लस के लिए, और इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ऐसे ही होता है हमारे पास, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ऐसे ही होता है इनवर्स। तो इनवर्स जो है वो मैं आपको बताता हूं, इनवर्स, इनवर्स एलिमेंट, एलिमेंट यानी विलोम ऑब्जेक्ट। तो इनवर्स एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो कैसे निकालते हैं, इसका मतलब होता है कि ए स्टार ई, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर ई, ठीक है। तो इस इनवर्स एलिमेंट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।